आज जो है वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल सिंपलीफाइड एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने हमें कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए हैं किसी भी महामारी से सुरक्षा के लिए? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। मैं वो सब कुछ नहीं बताऊंगी जो पहले किसी टीवी ऐड में बताया जाता है, मैं वो बताऊंगी जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है बैक्टीरिया की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और इसका आकार 18 नैनोमीटर से लगा करके 400 नैनोमीटर तक का होता है। तो कोरोना वायरस भी 120 से 180 नैनोमीटर से घिरे हुए आरएनए वायरस है। हम लोग सभी जानते हैं कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके और भी अन्य नाम हैं। इसका पहला नाम है, सबसे पुराना नाम जो है वो है nCoV-2019। ये नए किस्म के कोरोना वायरस के कारण नोबल कोरोना वायरस 2019 इसका नाम दिया गया था। SARS वायरस के साथ में इसकी समानता को देखते हुए द कोरोना वायरस स्टडी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा। इसको जो है वो चीन या वुहान वायरस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस जो है वो चीन के वुहान शहर में पाया गया था। इसको कोविड-19 जो है ये नाम किसने दिया है? कोविड-19 नाम इसको WHO ने दिया है, जिसमें को का अर्थ होता है कोरोना और वी का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब है क्योंकि ये 2019 में पहली बार इसका पता चला, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोविड-19। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें जिससे मैं आपसे अंत में वीडियो के एक प्रश्न पूछूंगी। अगर आप लोग उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको कोरोना वायरस के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त तो हो चुकी है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण सभी को पता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है और मनुष्य को सर्दी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होती है। फैलता, ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलता है या संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करी हुई किसी भी चीज़ को छूने से। हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस 3 जगहों से प्रवेश कर सकता है, हमारे मुंह से, हमारे नाक से और हमारी आँख से। इसके बचाव के लिए सभी को पता है शारीरिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं और अपने मुंह को मास्क से कवर रखें। बचाव के लिए संवैधानिक अधिकार, हमको भारत सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिसमें एक पहला है महामारी रोग अधिनियम 1897। सबसे पहले 1896 में बम्बई में जब प्लेग फैला था तब जो है भारत सरकार ने इसका पहली बार जो है वो प्रयोग किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार अपने राज्य के अंदर आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के की जांच कर सकती है और लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर जो है वो राहत कोष की व्यवस्था की जाए। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1955। इसके अंतर्गत जो आवश्यक वस्तु है उनका प्रवाह ना रोका जाए किसी भी महामारी के दौरान, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर दोनों शामिल हैं। अब कौन कौन से हमारे, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन से संवैधानिक अधिकार है? महामारी रोग अधिनियम 1897 या राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब कोविड-19 की जांच की क्या प्रक्रिया है? दो तरीके से जो होती है कोरोना वायरस की जांच की जाती है। पहला है RT-PCR जांच होती है और दूसरी है रैपिड एंटीबॉडीज। दो तरह से कोरोना वायरस की जांच की जाती है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, 3-4 ये ऑप्शन दिए गए, फिर पूछा जाए कोरोना वायरस की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो RT-PCR का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के जो है वो गले के या नाक के नमूने लिए जाते हैं और देखा जाता है कि इसमें संक्रमण है कि नहीं है। ये एक महंगी जांच
जांच है और इसके नतीजे आने में समय लगता है। दूसरा है रैपिड, रैपिड से ही हम जान सकते हैं जल्दी, ठीक। रैपिड एंटीबॉडीज, इससे किसी भी व्यक्ति के खून का नमूना ले लिया जाता है, उसका वायरस के साथ में रिएक्शन देखा जाता है, इसमें ये पता चलता है कि वो वायरस के साथ एंटीबॉडी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो रैपिड एंटीबॉडी जांच कौन से एरिया में की जाती है? हॉट स्पॉट एरिया में, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि यह जो महामारी इतनी बड़ी फैली है, इसे सर्वाधिक प्रभावित जो 5 शीर्ष देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद में है ब्राज़ील, तीसरा है रूस, उसके बाद में स्पेन, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम। देन अब हम अपने भारत पर आ जाएंगे। हमारे भारत में कोरोना से प्रभावित सबसे ज़्यादा 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गुजरात। अब राज्यों पर भी आधारित हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कि जो है पहला, सबसे पहला जो है वो कोरोना का केस भारत के किस राज्य में मिला है? तो वो पाया गया है केरला में, ठीक। हरियाणा में जो है सबसे पहले इसको महामारी घोषित किया था, और उसके बाद में कर्फ्यू लगाने वाला पहला देश हमारा बना है पंजाब। कौन सा महादेश सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था? पंजाब। और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत सरकार ने को कोरोना महामारी से बचाव के लिए और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप में कोरोना कवच जो है इसको जो है लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने जो है वो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, आप चाहें तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।